Hi guys, this is me Saurabh. So guys, आज की वीडियो में आपसे one of the most healthiest drink on planet शेयर करूंगा, जो कि है green tea. But guys, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले I hope कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपके स्क्रीन के नीचे एक बटन होगा जिसपे लिखा होगा सब्सक्राइब. आप उस पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो. और गाइज, आपको फिटनेस रिलेटेड कोई सी भी क्वेरीज होती हो, अगर आप कोई सप्लीमेंट्स खरीद रहे हो, आपको जानना हो कि आपको सप्लीमेंट खरीदना चाहिए कि नहीं, या फिर आपको अपने गोल्स में रीच करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, तो गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और अगर आपकी क्वेरी वैलिड होगी तो मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा. गाइज, ग्रीन टी वन ऑफ द मोस्ट हेल्थीएस्ट बेवरेज है प्लेनेट के ऊपर. चाहे आपको फैट लॉस करना हो, या आपको अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने हो, या अगर आप बीमार हो, या अगर आप हेल्दी हो, ये हर सिचुएशन में आप इस टी को कंज्यूम कर सकते हो. अगर आपको कॉफी पीने से आपकी बॉडी को कैफीन की टॉलरेंस हो गई है, तो कॉफी की टॉलरेंस को हटाने के लिए सबसे अच्छा वे ग्रीन टी को कंज्यूम करो. ये वैसे ही इफेक्ट देती है, बट इसके अंदर जो कैफीन होता है वो बहुत मिनिमम होता है. गाइस, सबसे पहले वीडियो में बात करते हैं ग्रीन टी के बेनिफिट्स के बारे में. मैं इस वीडियो में सारे बेनिफिट्स तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा, मैं कुछ बेनिफिट शेयर करूंगा, क्योंकि ग्रीन टी के गाइस बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. अगर मैं इस वीडियो में ग्रीन टी के बेनिफिट शेयर करने लगूंगा तो ये वीडियो खत्म नहीं हो पाएगी. गाइस, सबसे पहला बेनिफिट, ये लोडेड होता है एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं उसको एलिमिनेट करता है. गाइस, अगर हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स ज्यादा बढ़ने लगते हैं. अगर आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स ज्यादा होंगे तो आप जल्दी एजिंग करोगे, आपकी स्किन ढलने लग जाएगी, आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, आपकी बॉडी एजिंग के प्रोसेस को फास्ट कर देगी. तो अगर आप डेली ग्रीन टी कंज्यूम करते हो तो आपकी जो बॉडी है वो एजिंग के प्रोसेस को डिले कर पाती है और आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं उनको भी एलिमिनेट कर पाती है कम्प्लीटली. गाइस, ग्रीन टी के अंदर ऐसे बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि लोडेड होते हैं बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से, जिससे हमारी बॉडी बहुत हेल्दी रह पाती है. गाइस, ग्रीन टी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीफिनोल्स, जिसके अंदर होते हैं फ्लेवोनॉइड्स और कैटेकिन्स. ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे सेल्स को ऑक्सीडेशन डैमेज से प्रिवेंट करते हैं. गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट EGCG, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है और जो देखा गया है कि बहुत हमारे सेल्स को जो भी ऑक्सीडेशन डैमेज हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है उसको प्रिवेंट करता है, साथ के साथ बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है हमारी बॉडी से जो हमारे एजिंग प्रोसेस को या हमारे हार्ट को या फिर हमारे ब्रेन के फंक्शन को हिंडर करते हैं, और ये भी प्रेजेंट होता है ग्रीन टी के अंदर. गाइस, अगर आप पूरे दिन में मल्टीविटामिन कंज्यूम नहीं करते तो गाइस ग्रीन टी कंज्यूम करने से आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी मिल जाते हैं जो आपको अपनी डाइट से नहीं मिल पाते. गाइस, साथ के साथ ग्रीन टी रोज कंज्यूम करने से आपका ब्रेन का फंक्शन भी इंप्रूव होता है, आपकी बॉडी के अंदर अलर्टनेस भी अच्छी हो पाती है. और गाइस, इसका मेन रीजन होता है इसके अंदर जो कैफीन प्रेजेंट होता है. गाइस, अब आप सोचोगे कि अगर इसके अंदर कैफीन प्रेजेंट है तो ये अच्छी कैसी है, इससे अच्छा हम कॉफी ना कंज्यूम कर लें. बट गाइस, इसके अंदर जो कैफीन प्रेजेंट होता है वो बहुत कम क्वांटिटीज के अंदर होता है, वो अराउंड 10-20 mg ही होता है. और एज कम्पेयर टू कॉफी, जहाँ पे आप कॉफी पीते हो तो उसके अंदर जो आपको कैफीन मिलता है वो अराउंड 100 mg से लेकर 200 mg तक होता है. तो गाइस, ग्रीन टी कंज्यूम करना आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आप कॉफी को भी छोड़ना चाहते हो. गाइस, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ग्रीन टी कंज्यूम करने का डेली. गाइस, ग्रीन टी कंज्यूम करने से देखा गया है जो लोग ग्रीन टी डेली कंज्यूम करते हैं उनका जो मेटाबॉलिक रेट है, हमारी टेंडेंसी टू बर्न कैलोरीज, गाइस जितना ज्यादा हमारा मेटाबॉलिक रेट होगा उतनी ज्यादा हम कैलोरीज बर्न करते हैं. तो देखा गया है कि जो लोग ग्रीन टी डेली कंज्यूम करते हैं उनका मेटाबॉलिक रेट अराउंड 40% इंक्रीज हो पाया है. तो अगर आप डेली ग्रीन टी कंज्यूम करोगे तो जो आपका मेटाबॉलिक रेट है, जो आपकी टेंडेंसी टू बर्न कैलोरीज है, वो इंक्रीज हो पाएंगे, जिससे आप एक्सेस कैलोरीज बर्न कर पाओगे. तो ये उन लोगों को भी बहुत हेल्प करेगा जो अपने फैट लॉस गोल्स पे हैं या फिर जो अपना फैट रिड्यूस करना चाहते हैं अपनी बॉडी से. गाइस, बहुत सी स्टडीज में देखा गया है कि जो लोग 3 कप ग्रीन टी पीते हैं रोज डेली, वो पूरे साल में अराउंड 38,000 कैलोरीज बर्न कर पाते हैं बस ग्रीन टी कंज्यूम करने से. तो गाइस, आप कम से कम 7 किलो वजन घटा दोगे अगर आप डेली ग्रीन टी कंज्यूम करोगे 3 कप. तो ये बहुत ही अच्छा बेवरेज है और वन ऑफ द मोस्ट हेल्थीएस्ट बेवरेज है उन लोगों के लिए जो फैट रिड्यूस करना चाहते हैं. गाइस, अगर आपको डेंटल प्रॉब्लम्स रहती हैं या आपको ओरल प्रॉब्लम्स रहती हैं या फिर आपके दांतों में ज़्यादा कीड़े लगते हैं, तो गाइस ये भी देखा गया है कि जो लोग रोज कंज्यूम करते हैं ग्रीन टी को, उनकी जो डेंटल प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो पाई हैं. और इसका जो मेन रीज़न है गाइस, ग्रीन टी कंज्यूम करने से जो इन्फेक्शन हमें डेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ग्रीन टी कंज्यूम करने से वो जो इन्फेक्शन होता है ग्रीन टी उसको किल कर पाता है, उस बैक्टीरिया को हटा पाता है हमारी बॉडी से, जिससे हमारी बॉडी के अंदर डेंटल प्रॉब्लम्स या ओरल प्रॉब्लम्स ही क्रिएट नहीं होती. और गाइस, वो लोग जो टाइप 2 डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, देखा गया है कि जो लोग डेली ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव हो पाई है, साथ के साथ उनका ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल हो पाता है अगर वो डेली ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं तो.
गाइस पूरे वर्ल्ड के अंदर हार्ट डिजीज या स्ट्रोक्स इज वन ऑफ द मेजर डिजीज है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों की डेथ होती है। तो अगर आप ग्रीन टी डेली कंज्यूम करोगे 3 कप्स अ डे तो देखा गया है कि हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को और साथ के साथ हमारे हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव कर पाता है और हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल को डिक्रीज कर पाता है, जिससे जो आपका अनहेल्दी फैट है वो भी हट पाएगा और आपका कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी डिक्रीज हो पाएगा। अब गाइस कुछ क्वेश्चंस के आंसर करते हैं जो ग्रीन टी के लिए आते हैं। गाइस ग्रीन टी आपको एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करनी चाहिए कि नहीं? वैसे गाइस ग्रीन टी एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करने से कोई ड्रास्टिक इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं आएगा। इनफैक्ट मैं भी बहुत टाइम से ग्रीन टी एम्प्टी स्टमक ही कंज्यूम करता हूँ। बट गाइस क्योंकि ग्रीन टी के अंदर थोड़ा बहुत कैफीन होता है तो हो सकता है अगर आपकी बॉडी कैफीन को टॉलरेंट नहीं करती या अगर आपकी बॉडी कैफीन को झेल नहीं पाती तो वो ज्यादा गैस्ट्रिक जूसेस बनाने लग जाए, जिससे एचसीएल की प्रोडक्शन आपकी बॉडी में इंक्रीज हो सकती है और फर्दर थोड़े दिनों बाद आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। गाइस उसके बाद आपको पूरे दिन में ग्रीन टी कितनी पीनी चाहिए? गाइस अराउंड आपको पूरे दिन में 2 से 3 कप ग्रीन टी के पीने चाहिए, जिससे जो आपका पॉलीफिनॉल्स है वो अराउंड 250 mg से लेकर 750 mg तक मिल जाए। और गाइस अगर आप ग्रीन टी का सप्लीमेंट कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कम से कम 750 mg से लेकर 1 ग्राम तक ग्रीन टी का सप्लीमेंट या ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट कंज्यूम करना पड़ेगा, तब जाके आपको उतने पॉलीफिनॉल्स मिल पाएंगे। बट गाइस मैं आपको एडवाइस करूंगा और आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी ग्रीन टी का कंज्यूम करो तो इसको कोई सप्लीमेंट फॉर्म में कंज्यूम ना करो, इसको एज अ टी कंज्यूम करो, क्योंकि उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल पाएंगे। और गाइस जब भी आप टी खरीदोगे तो उसको लूज में खरीदो, ना कि उसको टी बैग्स के अंदर। और गाइस जब भी आप ग्रीन टी को कंज्यूम करोगे तो इसके अंदर कोई आपको एडिटिव्स इंक्लूड नहीं करते हैं, जैसे कि मिल्क शुगर कुछ ऐड नहीं करना, बस थोड़ा सा गर्म पानी लेना है और उसको टी में मिला के आपको इसको टी को कंज्यूम करना है। अगर आप एडिटिव्स इसके अंदर ऐड करते हो तो गाइस देखा गया है कि ग्रीन टी के जो बेनिफिट्स होते हैं वो अराउंड 10-20% तक डिमिनिश हो जाते हैं। तो गाइस अगर आपको अभी शुरुआत में ग्रीन टी अच्छी नहीं लगती तो धीरे धीरे आपके टेस्ट बड्स इसको एडजस्ट कर लेंगे और बाद में धीरे धीरे आपको ग्रीन टी अच्छी लगने लगेगी। बट गाइस कोई भी एडिटिव्स ऐड मत करो ग्रीन टी के अंदर। गाइस कौन सा टाइम बेस्ट है ग्रीन टी को कंज्यूम करने के लिए? वैसे तो गाइस आप किसी भी टाइम पे कंज्यूम कर सकते हो ग्रीन टी को, बट गाइस बेस्ट टाइम ग्रीन टी को कंज्यूम करने का है बिफोर मील और आफ्टर मील। आप मील को कंज्यूम करने से अराउंड 2 घंटा पहले ग्रीन टी को कंज्यूम कर सकते हो और मील को जब आप कंज्यूम कर लो उसके 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी को कंज्यूम कर सकते हो। और गाइस मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहूंगा, जब भी आप ग्रीन टी कंज्यूम करोगे तो आप रात को ग्रीन टी कंज्यूम मत करना, आप सोने से 2 घंटा पहले या 4 घंटा पहले ग्रीन टी को कंज्यूम मत करना, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर कैफीन होता है। अगर आप ग्रीन टी को रात को सोने से पहले कंज्यूम करोगे तो हो सकता है आपकी स्लीप में डिस्टर्बेंस आए। गाइस अब बात करते हैं ग्रीन टी को आपको अपने घर में कैसे बनाना है। गाइस ग्रीन टी को बनाने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इनफैक्ट जो भी ब्रांड का आप ग्रीन टी खरीदोगे उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि आपको ग्रीन टी कैसे बनानी है। बट जब भी आप ग्रीन टी को बनाओगे तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। ग्रीन टी के लीव्स को आपको ना तो बॉइलिंग वाटर में ऐड करना है ना तो चिल्ड वाटर में, आपको वार्म वाटर लेना है, निवाया पानी लेना है और उसके अंदर ग्रीन टी के लीव्स को ऐड करना है और उसको 5-10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है और उसके बाद ग्रीन टी को आपको कंज्यूम करना है। इससे ग्रीन टी के अंदर जितने फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं, कैचिंस होते हैं, उनके सारे बेनिफिट आपकी बॉडी रीप कर पाएगी। अगर आप ग्रीन टी के लीव्स को बॉइल्ड वाटर में या चिल्ड वाटर में ऐड कर देते हो तो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं ग्रीन टी के अंदर ये आपकी बॉडी अच्छी तरह रीप नहीं कर पाती इनके बेनिफिट्स। तो गाइस ग्रीन टी को कंज्यूम करने के लिए आपको वार्म वाटर लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच ग्रीन टी के लीव्स को मिलाना है और उसको 5-10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है और उसके बाद आपको ग्रीन टी कंज्यूम करनी है। गाइस वीडियो को समाप्त करने से पहले अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो या आपको कोई प्रिफर टॉपिक है और आपको लगता है उस टॉपिक से और लोगों को भी हेल्प मिलेगी जान के, तो गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो उस टॉपिक को और मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।